गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है टॉपिक चल रहा है रासायनिक संयोग के नियम। 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसमें रासायनिक संयोग के मैं आपको दो नियम करा चुका हूँ। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या है? जब दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें से एक तत्व के अलग अलग भाग दूसरे तत्व के निश्चित भाग से संयोग करते हैं तो वे परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। जब दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें से एक तत्व के अलग अलग भाग, मतलब एक के तो होंगे अलग अलग भाग और दूसरे तत्व के निश्चित भाग से संयोग जैसे वो करेंगे तो वे परस्पर सरल अनुपात में होंगे। कौन से? जो आपके अलग अलग भार वाले हैं ना, वो परस्पर आपके सरल अनुपात में मिलेंगे। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, डेफिनेशन से हमें कोई समझ में नहीं आया होगा। उदाहरण ले लेते हैं, हमने लिया जब कार्बन तथा ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है, तो लिया हमने कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के 12 ऑक्सीजन के 16, तो 12:16 का अनुपात आया। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का लिया, कार्बन के 12 ऑक्सीजन के 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई 16, तो 12:32 का अनुपात आ गया। ठीक है, तो ये 12:16 हमें यहाँ दिख गया है कि इनमें एक तत्व ऐसा है जिसका भार निश्चित है और दूसरा तत्व ऐसा है जिसका भार अलग अलग है। कार्बन का इसमें भी 12 है, इसमें 12, तो ये निश्चित भार है। ऑक्सीजन का इसमें 16, इसमें 32 है, तो ये अलग अलग भार है। परंतु सरल अनुपात का भी हम यहाँ से नहीं बता पाए हैं, उसके लिए भी मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, फिर दोनों को बताऊंगा कि कैसे ये सरल अनुपात में हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये है कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि बनाते हैं। मतलब बहुत सारे बन सकते हैं, मैंने ज्यादा नहीं लिए, 3-4 ले लिए, उनसे ही आपको मैं सरल अनुपात बना के दिखाऊंगा। तो पहले हुआ N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन के 2 से मल्टीप्लाई 28:16 आ गया। फिर लिया NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, उसमें क्या हुआ आपका, मतलब हम ऑक्सीजन को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये N2O है, एक ऑक्सीजन है, NO को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो N2O2 बन जाएगा। देखो 16:16 है, ठीक है, पर हमें तो एक तत्व का निश्चित रखना है ना, तो हमने निश्चित रखा, 2 से मल्टीप्लाई करी, 14:28 और ये हो जाएगा 32। और दूसरा फोकस हमें ये होना चाहिए कि जब हमने एक ऑक्सीजन का लिया, आपका डबल ऑक्सीजन को होना चाहिए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो N2O2 बात एक ही है, NO और N2O2 एक ही बात है। ठीक है, फिर तीसरे में ऑक्सीजन के 3 है, इसी तरह से हम लेते चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 28:32, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करी इसमें। तीसरा आता है आपका N2O3, 2 × नाइट्रोजन का 14 है और ऑक्सीजन का 16 × 48 और 48 आ गया। चौथा आता है आपका NO2, हमें आप यहाँ पे ऑप्शन के 4 करने हैं, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, चलो पहले रख लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 14 और ये हो गया तुम्हारा 14 × 2 = 16 = 32, तो 14 = 32 हो गया। ठीक है, अब हमने एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन का देखना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते नाइट्रोजन के 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे, तो 14 × 28 और 32 × 64। तो आप देख रहे होंगे इन चारों में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या? नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के 28 और नाइट्रोजन के 28, परंतु ऑक्सीजन के बार बार बदल रहे हैं 16, 32, 48 और 64। ठीक है, यहां से हम समझते हैं कि सरल अनुपात क्या होता है। ठीक है, अब ये जो सरल अनुपात में होता है ये उस यौगिक का है जो जिसके भिन्न भिन्न भार होते हैं, जैसे कि इनमें देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं CO और CO2 में ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, इसमें ऑक्सीजन का 16 है, इसमें 32, काटा कितना आया 1:2। ठीक है, इसमें देख लेते हैं नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, N2O और तुम्हारा NO कह दो या N2O2 कह दो, बात एक ही है। उसके बाद N2O3 और उसके बाद आप इसे क्या कहेंगे, N2O4 कह दो या NO2 कह दो, बात एक ही है।
क्योंकि आप दो से मल्टीप्लाई करेंगे एन टू फोर बनते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, देखना क्या है ऑक्सीजन, इसमें देखते हैं 16, इसमें कितना बैठा 32, इसमें कितना बैठा 48, इसमें कितना बैठा 64। अब आप 16 से इसे भाग देंगे तो ये कट के ये कितना आ जाएगा, 1:2:3:4। आपको दिख रहा होगा सीधा सरल अनुपात आ रहा है, इसको ही हम सरल अनुपात बोलते हैं। यहाँ 1:2, फिर अगला नंबर आएगा 3:4:5:6, इसी तरह से 1:2:3:4:5:6, ये आपका सरल अनुपात होता है, ठीक है। अब इसके वर्तमान नियम की हम स्थिति जान लेते हैं कि वर्तमान नियम क्या कहता है गुणित अनुपात। देखो जब तक समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, परंतु समस्थानिकों की खोज के बाद ये रूल्स भी थोड़ा सा अप्रभावी साबित हुआ। कैसे कि यह नियम तब तक ही उपयुक्त है जब तक कि किसी तत्व का केवल एक ही प्रकार का समस्थानिक, मतलब जिस तरह से आपको बताया कार्बन के लिए 3 समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन के 2 होते हैं और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो इसी तरह से मतलब केवल एक ही प्रकार का समस्थानिक अगर आपके यौगिकों में यूज हो रहा है, जैसे मान लिया हम बात करते हैं कार्बन 14 यूज हो रहा है हर तत्व में, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये रूल लगेगा। परंतु कार्बन में कभी कहीं कार्बन 12 हो रहा है, कहीं 13, कहीं 14, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब भिन्न भिन्न समस्थानिकों के उसमें ये प्रभावी साबित होता है, केवल एक ही प्रकार के समस्थानिक में ये प्रभावी साबित होता है, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो या कैसे, ये नियम आपका गुणित अनुपात। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये गुणित अनुपात के नियम से थोड़ा मिलता जुलता है। देखो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, उसमें दो तत्व थे, उसमें एक का भार अलग अलग था और एक का निश्चित था। इसमें ये कह रहा है कि हमने वे दो तत्व लिए हैं जिनका भार अलग अलग हो और उन्हें किसी तीसरे निश्चित भार वाले तत्व से संयोग कराया है, ठीक है। देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, दो अलग अलग भार वाले तत्व तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात, या तो वही अनुपात या उसका पूर्ण गुणक अनुपात होता है, और जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब इसे हम एग्जांपल से समझेंगे, डेफिनेशन से तो आपकी समझ में नहीं आया होगा इतना खास, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने 3 तत्व लिए हैं, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। 3 तत्व मैंने यहाँ बना दिए हैं, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाएंगे, हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। हमने क्या देखा कि H2O में H व O के भारों का अनुपात 2:16 बैठता है, ठीक है। दो हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। उसके बाद SO2 में S व O के भारों का अनुपात देख लेते हैं, SO2 में सल्फर का 32 और ऑक्सीजन में 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 32, तो इसका 2 और 16 बैठा है, इसका 32 और 32। हमें क्या देखना था कि किसी एक तत्व को निश्चित बनाना है, तो यहाँ जब 32 बैठ रहा है तो यहाँ भी कोई से 32 कर लेंगे हम, हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 4 32 हो गया, 2 2 4 और 16 2 32, तो हमें पता चल गया ऑक्सीजन निश्चित है। यहाँ हमें ये पता चल गया कि ऑक्सीजन तत्व जो है वो निश्चित है, ये 4 32 ये 16 32, और ये जो हाइड्रोजन और सल्फर है ये आपके अलग अलग है, ठीक है। दोनों में ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन को ही हमने निश्चित बनाया क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या देखते हैं, अब हम हाइड्रोजन और सल्फर का अनुपात देख लेते हैं, कहते हैं हाइड्रोजन और सल्फर के भारों का अनुपात जो ऑक्सीजन के निश्चित भार, ऑक्सीजन का कितना निश्चित भार होगा 32, से संयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम H2S, ये नहीं देख रहे कि हाइड्रोजन का 2 है और सल्फर का 32 है, 2 और 32 नहीं देख रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 4 है, इसके अकॉर्डिंग 4 है और इसके अकॉर्डिंग 32 है, तो हमने ये वाला ले लिया 4 32 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, दोनों कंडीशन के ये हमने ले लिया, ठीक है। अर्थात इसे हमने काटा तो 4 से जैसे काटेंगे एक अनुपात 8 आ गया। अब वास्तव में देखा हमने H2S का, H2 का और S का अनुपात वास्तव में क्या बैठता है, ये अनुपात तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन लिया है हमने, हम यहाँ वास्तव में देखेंगे क्या है,
तो एच टू एस हाइड्रोजन का दो होता है, सल्फर का 32, तो एक 16 हो गया। ठीक है, अब हमें इसको समीकरण एक मानना, इसको समीकरण दो। व्युत्क्रम अनुपात का हमने यह नियम लगाया, व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है कि दोनों को उल्टा ले लो, ये 1/8 हो जाएगा अनुपात 1/16। आप देख रहे होंगे मैंने इतनी जगह क्यों छोड़ी यहाँ पे, इसका एक कारण है, जब आप अनुपात बटे में क्वेश्चन होता है तो ये सोल्व करने के लिए उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करनी होती है। 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, बड़ी संख्या हमेशा एलसीएम होती है अगर छोटी संख्या उसको काट दे, ये मैथ में बहुत अच्छी तरह से मैंने बता रखा है। तो छोटी 8 से 16 कट जाएगा, इसका मतलब 16 एलसीएम है, तो ये आपका 16 से मल्टीप्लाई यहाँ पर आपकी होगी। 8 × 16, 16 × 16 तो कितना आया ये 2:1। अब 2:1 एक कैसा अनुपात है, सरल अनुपात। कैसा अनुपात है, सरल अनुपात। इसी तरह का मैंने एक एग्जांपल आपको होमवर्क में दिया है, बिल्कुल सेम एग्जांपल आपको करना है। कार्बन है, सल्फर है और ऑक्सीजन, तीन आपके पास तत्व है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर और कार्बन और सल्फर कार्बन सल्फाइड बनाएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में इसी का करना है। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है गेरुसेक का नियम। अब गेरुसेक का नियम थोड़ा अलग है इन सबसे, ये क्या कहता है कि जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, जब गैसें आपस में रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी आयतनों में, अभिकारी होते हैं लेफ्ट हैंड के, जो मतलब आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, जो अभिक्रिया में शुरू में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारी पदार्थ कहते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा। अभिकारी आयतनों में परस्पर अथवा अभिक्रिया में बने गैसीय उत्पाद, गैसीय उत्पाद दूसरी तरफ उत्पाद दूसरी साइड बनते हैं, आयतनों से सरल अनुपात होता है। कब होगा सरल अनुपात, उसकी भी एक शर्त है, यदि सभी आयतन समान ताप एवं दाब पर मापे गए हों, सभी आयतन समान ताप एवं दाब पर मापे गए हों तभी अनुपात होगा। तो देख लेते हैं, उदाहरण है हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन आपस में संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। देखो ये दोनों तो है अभिकारी पदार्थ और ये है आपका उत्पाद, लेफ्ट हैंड पे आपका अभिकारी है और राइट हैंड पे क्या है आपका उत्पाद। इन दोनों ने अभिक्रिया में भाग लिया और बन के क्या आया ही, ठीक है। देख लेते हैं हाइड्रोजन का कितना है, एक आयतन, क्लोरीन का कितना है, ये भी एक आयतन है, प्राप्त कितना हो रहा है, दो आयतन। तो एक एक आयतन दोनों मिलकर प्राप्त कितना हो रहा है, दो आयतन। अब ये कह रहा है कि सभी अभिकारी तथा उत्पाद, ये मतलब अभिकारी और उत्पाद जो है वो गैसीय अवस्था में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, ये यहाँ पे बताया था कि एक ही अनुपात में मापे गए हों, गैसीय अवस्था में है तो उनके आयतनों का अनुपात 1:1:2 है। देख लो आप 1:1 और 2 है, जो कि एक सरल अनुपात। सरल अनुपात क्यों है, क्योंकि अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से इधर 2 से इधर, तो इधर भी 2 से करनी पड़ेगी, तो 2:2:4। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल पोर्शंस के साथ मिलेंगे, न्यूमेरिकल के कराएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।